17,000 रुपये खर्च करके अगर मैं ये बोलूं कि आप अपनी कृति की आमदनी को 30 से 40% या 50% तक बढ़ा सकते हैं तो शायद आश्चर्यजनक लगता है। आशा है कि अब तक आपने अग्नि खेती की ओर अपना पहला स्टेप बढ़ा लिया होगा। क्या आप उन किसानों में से एक हैं जो कि ड्रिप इरिगेशन में खेती करते हैं? और अगर आप ड्रिप इरिगेशन से खेती करते हैं तो क्या आप मल्च का इस्तेमाल करते हैं? और अगर अब तक नहीं करते हैं तो मेरी इस बात को कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिए, यह वीडियो आप ही के लिए। मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन का संबंध मियां बीवी की तरह है, ड्रिप इरिगेशन जो है वो बीवी की तरह है। और अगर आपको स्वस्थ बच्चे चाहिए जो आपके पौधे हैं, जो आपकी फसल है, तो उसमें मल्चिंग का इस्तेमाल करना अवश्य और मैंडेटरी है। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि क्या मैं इतने सारे फायदों से अब तक वंचित हूँ। अगर आप ड्रिप इरिगेशन लगाकर खेती करते हैं और आज तक मल्चिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कृपया इस वीडियो के दिए हुए फायदों को गिनें और अपने आप को इस फायदे से वंचित ना रखें। दोस्तों, मेरा नाम राजीव रॉय है और मैं एग्री प्लास्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आशा है आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा होगा। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पर अपना कमेंट दें कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो हमारा देखना चाहेंगे, हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। मल्चिंग के फायदे, दोस्तों आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मल्चिंग के अनेक फायदे हैं। हो सकता है इसमें से कुछ आपको पता हो और कुछ बिल्कुल भी ना पता हो। तो चलिए हम फायदों के एक लिस्ट को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मल्चिंग का सबसे बड़ा जो फायदा है, चूंकि ये प्लास्टिक का सीट है, सबसे बड़ा फायदा है कि यह 50% लगभग 50 से 70% तक पानी का संरक्षण करता है। ऐसा क्यों होता है? जब आप ड्रिप इरिगेशन लगा करके उसके ऊपर मल्चिंग स्प्रेड करते हैं और जब मल्चिंग के अंदर होल करके जब आप प्लांट वहाँ पे लगाते हैं तो सारा का सारा इवापोरेशन लॉस, जो पानी पहले धूप के कारण उड़ जाता था, वाष्पीकरण हो जाता था, अब मल्च लगने के चलते उसका इवापोरेशन लॉस नहीं हो रहा है। इवापोरेशन लॉस नहीं होने के चलते आपकी पानी की खपत कम हो जाती है। आपको पता है देश के अनेक हिस्सों में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, इरीगेशन वाटर के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। वैसे में अगर ड्रिप इरीगेशन के साथ आप मल्च का इस्तेमाल करते हैं तो आप पानी की खपत को 50% तक कम कर सकते हैं, 50 से 90% तक कम कर सकते हैं। दूसरा फायदा, वीड कंट्रोल। जैसा कि आपको पता है कि वीड्स भी एक तरह का पौधा होता है। जब हम मल्चिंग के अंदर खेती करते हैं तो सूरज की रोशनी जो है हमारे केवल टारगेट प्लांट तक पहुंचता है। इसका मतलब अगर आप टमाटर उगा रहे हैं तो जहां हम छेद करके जहां हमने पौधे को लगाया है तो सूरज की रोशनी केवल उस पौधे तक पहुँच रही है। इसका मतलब खरपतवार, वीड्स तक वो रोशनी नहीं पहुँच रही है। और इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा कॉम्पिटिशन नहीं है, हमारे पौधे को कोई कॉम्पिटिशन नहीं है न्यूट्रिशन का। मतलब जो भी आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से फर्टिलाइजेशन दे रहे हैं वो सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है मात्र आपके टारगेट प्लांट के लिए अवेलेबल है। अब आप फर्ज कीजिए कि आप कहीं खाने पे बैठे हो और एक प्लेट में मैंने आपको 5 लड्डू दिया और बोला कि सारा का सारा लड्डू आप खा लो, तो अवश्य आपको सारा लड्डू मिलेगा। लेकिन आपके टेबल पर अगर 10 और लोग हैं और मैं बोलूँ कि आप उनके साथ ये लड्डू शेयर करो तो हर एक को आधा आधा लड्डू मिलेगा। तो पौधे के साथ भी यही बात है, जब हम फर्टिगेशन केवल टारगेट प्लांट को डालते हैं तो जो भी न्यूट्रिशन हमारे पौधे को चाहिए सारा का सारा न्यूट्रिशन हमारे टारगेट प्लांट को ही मिलता है। वीड्स के द्वारा ये कंज्यूम नहीं होता है। आप मल्चिंग अगर नहीं लगाते हैं तो वीड्स की एक समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है, जिसके अंदर आपको लेबर खर्च करना पड़ता है। तो ये हमें तीसरे बेनिफिट की ओर लाता है। जब आपको वीड्स का प्रॉब्लम नहीं होता है तो पहली जो आपकी बचत है वो है हर्बिसाइड स्प्रे की और दूसरी बचत है वो लेबर सेविंग की। मतलब कि आपको किसी तरह से भी लेबर का खर्चा नहीं होता है खरपतवार को हटाने के लिए। और इसका इनडायरेक्ट फायदा ये है कि जब आपका वीड से कॉम्पिटिशन नहीं है तो इसका नतीजा अंत में आप देखेंगे कि उपज पर भी पड़ता है। कॉस्ट सेविंग, हमने ये अपने अनुभव से ये पाया है कि अगर आप ऐसा मल्च का इस्तेमाल करते हैं जिसको कि आप एक से ज़्यादा फसल ले सकते हैं, तो एक बार अगर जैसे कि आप सब्जी उगा रहे हैं और 3 महीने की खेती आप करते हैं, उसी जगह पे उसी मल्च को बिना हटाए हुए अगर आप दूसरी फसल लगाते हैं तो आपको लगभग 54 से 55 हज़ार रुपये की बचत होती है खेत तैयार नहीं करने की। जो बचत है वो करीब 54 से 55 हज़ार रुपये है। दोबारा आपका टोटल लेबर का सेविंग एक मल्च को रीयूज़ करने में 55 हज़ार रुपये है, जो कि बहुत ही अच्छी सेविंग है। हाँ, एक और बात है, गर्मी के दिनों में आप अगर ब्लैक एंड वाइट मल्च का इस्तेमाल करते हैं और जाड़े के दिनों में अगर सिल्वर और ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं तो आप सॉइल का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। एक और मल्च है जो कि फोटो सेलेक्टिव मल्च बोलते हैं, जो कि केवल इंफ्रारेड रेडिएशन को मल्च के अंदर आने देता है, जिससे कि आप जाड़े के दिनों में सॉइल मिट्टी का तापमान बढ़ा सकते हैं। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से हम उस तरह का मल्च यूज़ करके
हम सॉइल के टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, गर्मी में ठंडा रख सकते हैं, जाड़े में गर्म रख सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एग्रीप्लस का जो मल्च है उसके अंदर से लाइट ट्रांसमिशन लगभग जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मल्च के ठीक नीचे अंधकार है, और जब मल्च के नीचे अंधकार है तो सारा वाइट रूट जो कि नॉर्मली अंधकार की ओर जाता है, क्योंकि मल्चिंग के ठीक नीचे अंधकार है तो सारा वाइट रूट सरफेस पर रहेगा, और जो भी न्यूट्रिशन हम देते हैं वो इमीडिएटली प्लांट को अवेलेबल है, तो प्लांट का ग्रोथ इस कारण से ही बेहतर होता है। तो इस तरह के मल्च में वाइट रूट्स की मात्रा जो है नॉर्मल मल्च की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। एक और चीज़ है, जब आप मल्च नहीं लगाते हैं और ड्रिप इरिगेशन के इर्द गिर्द आप देखेंगे जहाँ पर भी ड्रिपर होता है उसके चारों तरफ सॉल्ट का एक्युमुलेशन होता है। साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च में ये पाया है कि जब भी मल्च का इस्तेमाल करते हैं तो ये वेटिंग और ड्राइंग मतलब सूखने और गीले होने की प्रक्रिया जो है धीमी हो जाती है, मिट्टी ज़्यादा समय तक गीली रहती है मल्चिंग के अंदर, और इसी कारण से सॉल्ट एक्युमुलेशन नहीं होता है। इसका नतीजा क्या है, अगर मैं आपको प्यास लगी और आपको पानी दूं, या आपको भूख लगी और आपको नमक पानी घोल करके दूं, तो शायद आप नहीं पी पाएंगे। पौधे के साथ भी वही समस्या है, जब हमारे रूट जोन के अंदर सैलिनिटी ज़्यादा होती है, हमारे रूट जोन के अंदर जब सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो न्यूट्रिशन अपटेक अच्छा नहीं होता है। इसका जो सीधा असर हमारी उपज पर पड़ता है। मल्चिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे रूट जोन एनवायरनमेंट को अर्थात सॉल्ट के कंसंट्रेशन को ये एक कंट्रोल में रखता है, एक लिमिट के अंदर रखता है, जिसके चलते रूट्स अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, न्यूट्रिशन अच्छे से प्लांट के अंदर अपटेक होता है और हमारी उपज ज़्यादा होती है। इंसेक्ट कंट्रोल, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ब्लैक एंड सिल्वर मल्च है वो इंसेक्ट की आँख के ऊपर शीशे की तरह काम करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, वो कई सारे ऐसे रेडिएशंस को, यूवी लाइट को, विजिबल लाइट को कीड़े मकोड़े की आँखों की ओर रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि कीड़े चकाचौंध में पड़ जाते हैं और कीड़े अटैक नहीं कर पाते हैं। तो इंसेक्ट का कंट्रोल हम मल्च के द्वारा कर सकते हैं। ऐसा पाया गया है कि कई सारे इंसेक्ट जो हैं जहाँ पर मल्च की खेती होती है वहाँ पे आप पेस्टिसाइड का स्प्रे भी आपको कम करना पड़ता है। विनेगर का एक मल्च है जो कि येलो और ब्राउन मल्च है, इसका इस्तेमाल हम स्पेशली करते हैं जब हम वाइट फ्लाई का जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, जैसे कोई भी सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है वहाँ पे येलो मल्च अगर हम लगाते हैं तो वो वाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हम मल्च का इस्तेमाल करके कई पर्टिकुलर इंसेक्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि वैसी खेती में जहाँ की मल्च का इस्तेमाल नहीं होता और अगर ज़ोर से बारिश आ जाए तो मिट्टी जो है बारिश के कारण उड़ करके पौधे के ऊपर पड़ती है और फलों के ऊपर भी पड़ती है, तो फल उतने साफ नहीं रहते हैं। मल्चिंग के द्वारा जो है फ्रूट का कॉन्टैक्ट डायरेक्ट मिट्टी से होता नहीं, और एज ए रिजल्ट हमारा फ्रूट जो है वो क्लीन होता है, हमारा एग्रीकल्चर जो है क्लीन होता है, हार्वेस्टिंग के समय हमारा क्लीन फ्रूट निकलता है। जो मिट्टी के संपर्क में आने के चलते कई बार फल सड़ जाते हैं, वो सड़ना भी रुक जाता है। अगर कई दिनों तक बारिश होती रहे तो हमारा रूट जो है वो बिल्कुल समझिए कि रूट पानी में सराबोर हो जाता है, और उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और रूट गल जाने के चलते पौधा बर्बाद हो जाता है, हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसा पाया गया है कि जब हम मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वो पौधे के जड़ों के लिए छतरी का काम करता है, मिट्टी के इरोजन को बचाता है, और जब बारिश ख़त्म होती है तो ऐसा रूट जो कि सूखा रहता है बारिश की बारिश से उसको असर नहीं होता, वो इमीडिएटली पिकअप करता है और प्लांट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। जो ऐसा किसानों से बात करके ऐसा पाया गया है कि जहाँ पर भी मल्चिंग का इस्तेमाल किया गया था और एक खेत में जिसमें मल्चिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया था, दोनों के लाइफ में मतलब प्लांट के लाइफ में करीब 3 महीने का फ़र्क था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पौधे को 3 महीने चलना है या 6 महीने चलना है तो मल्चिंग इस्तेमाल करने से वो पूरे 6 महीने तक चलेगा, लेकिन बारिश बहुत आने के कारण बिना मल्च का जो फसल था वो 3 महीने में ही ख़राब हो गया, और इसका सीधा असर जो है आपकी आमदनी के ऊपर पड़ता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो सिल्वर कलर होता है वो रेड कलर के फ्रूट में बेटर कलर डेवलपमेंट के काम आता है, क्योंकि सिल्वर की ओर से 29% अल्ट्रावायलेट जो है रिफ्लेक्ट होता है, यूवी जो है कलर डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो स्ट्रॉबेरी हो या टमाटर हो, जहाँ की हमें कलर ज़्यादा अच्छा चाहिए, फ्रूट्स के कलर ज़्यादा अच्छा चाहिए, उसमें अगर हम ब्लैक एंड सिल्वर मल्च का इस्तेमाल करते हैं जो 29% तक यूवी को रिफ्लेक्ट करता है तो फ्रूट का कलर बेहतर डेवलप होगा। आप देख सकते हैं कि मल्चिंग के अनगिनत फ़ायदे हैं, और इन सब फायदों के चलते मल्चिंग से आपकी ईल्ड जो है 40-50%, कई बार 70% और 80% तक बढ़ सकती है। क्या ये फायदे का सौदा नहीं है? तो याद रखिए, अगर आप ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं और मल्चिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं
तो आप अपनी आमदनी को कम से कम 40 से 50 प्रतिशत तक कम रखते हैं, तो आप 17,000 रुपया 6 या 7 रोल में अगर खर्च करते हैं और मल्चिंग को इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी खेती की उपज बढ़ेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, और आप कम मेहनत से, आप लेबर सेविंग करके उसी एरिया से ज़्यादा उपज पा पाएंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली बार जब भी हम कोई वीडियो रिलीज करें आप तक पहले नोटिफिकेशन मिले। हाँ, एक और बात है कि आप कमेंट सेक्शन में ये लिखना ना भूलें कि आपको और किस विषय के ऊपर हम वीडियो बना करके दें, ताकि आपके ज्ञानवर्धन में और आपकी खेती की आमदनी बढ़ सके। For more information, call us on 8140144666 or WhatsApp on 9739618730. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and subscribe to our YouTube channel, AgriPlus Tech India Private Limited, Hosur.